हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो फाइनली आज आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ असेंचर सितंबर कोडिंग क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस 9 सितंबर के अंदर असेंचर के कोडिंग राउंड के अंदर, कोडिंग असेसमेंट के अंदर पूछे गए थे। तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, काफी कॉलेजेस के अंदर असेंचर ऑलरेडी आ चुकी है एंड अभी काफी कॉलेजेस के अंदर अपकमिंग असेंचर का एग्जाम होने वाला है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि जितने भी मैंने उसमें वीडियोस बताई है, जितने मैंने एमसीक्यू कराया है, जितने मैंने कोडिंग वन शॉट कराया है, वे क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस उनमें से असेंचर के अंदर पूछे गए हैं। मेरे पास काफी मेल्स आ चुकी है, काफी स्टूडेंट्स के कोडिंग राउंड क्रैक हो चुके हैं, देन अब उनका इंटरव्यू, उनकी इंटरव्यू के लिए भी मेल आ चुकी है। तो जाके जरूर असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, जितनी भी वीडियोज है सारी अच्छी तरीके से कवर कर लोगे तो आप इजिली असेंचर क्रैक कर लोगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके साथ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काफी कुछ इस चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, काफी कंपनीज की अभी प्रिपरेशन होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। यू आर गिवन ए फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया गया होगा, वॉइड रिप्लेस कैरेक्टर, कैरेक्टर स्ट्रिंग एरे, इंट एन कैरेक्टर, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर, कैरेक्टर 2। अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग एरे दिया गया, एक आपका इंटीजर दिया गया, एक आपको कैरेक्टर दिया गया, दूसरा भी आपको कैरेक्टर दिया गया। The function accepts string str, ठीक है, of length n and two characters, character 1 and character 2 as its argument. तो ये जितनी भी चीज functions के अंदर होती है, क्या होती है? Arguments. तो काफी students को पहले से पता होगा। तो ये हमारे arguments है। Implement the function, अब बहुत ध्यान से question को पढ़ना, क्योंकि question को पढ़ना एक बहुत बड़ा अपने आप में task होता है। Question को समझ लोगे अगर आप, तो आप easily logic और code दोनों बना लोगे। Implement the function to modify and return the string str in such a way that all occurrences of character 1 in the original string are replaced by character 2 and all occurrences of character 2 in the original string are replaced by character 1. अब करना क्या है कि जितनी भी हमारी अकरेंस आई है character 1 की original string के अंदर, वो रिप्लेस करनी है character 2 से, एंड इसका वाइस वर्सा, मतलब जितनी भी अकरेंस character 2 के अंदर है, original string में है, वे रिप्लेस करनी है character 1 के अंदर। अब मैं आपको इसके कुछ assumption, string contains only lower case alphabetically letters, तो इसके अंदर सिर्फ लोअर केस के अल्फाबेटिकल लेटर्स होंगे, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन हुई होगी, तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। एंड एक हमारा फॉर्मूला है 2:1। अभी 2:1 क्या है? 2:1 है कि हमें दो बार क्वेश्चन को रीड करना है एंड एक बार हमें उसका कोड लिखना है। अगर आप दो बार क्वेश्चन को रीड करते हो तो काफी हेल्प करेगा। एंड एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, पहले मैं आपको अनाउंसमेंट बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका लॉजिक और कोड बताऊंगा। एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ, असेंचर एप्टीट्यूड एंड कोडिंग सेशन। तो एक कंबाइन हम सेशन होस्ट कर रहे हैं आप लोग के लिए, असेंचर एप्टीट्यूड एंड कोडिंग सेशन, जिसके अंदर आपकी एप्टीट्यूड की इन्फॉर्मेशन भी और कोडिंग की इन्फॉर्मेशन दोनों रहेगी। तो एक कंबाइन सेशन होने वाला है, एक बहुत बड़ा सेशन होने वाला है। अगर आप लोगों ने हमारे पहले सेशन लिए होगे तो आपको पता होगा कि कितनी चीजें आपको समझ में आएगी, कितना आपको बेनिफिट होता है। अब ये सेशन आप लोगों के लिए होस्ट किया गया है। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसकी डेट्स क्या है। ये आपका सैटरडे में ये आपका सेशन रहने वाला है। तो एक बार डेट्स देख लेना, मुझे सैटरडे की डेट नहीं याद है, सैटरडे को सेशन होगा आपका। अब सेशन किस टाइम होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 9 PM to 10 PM ये सेशन रहने वाला है। और मैं पहले ही बता देता हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज, इस सेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं। इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपका राउंड वन होता है, जो एप्टीट्यूड राउंड होता है, उसको कैसे क्रैक करें, क्या क्या चीजें वहाँ पे आ सकती है, क्या क्या चीजें कोडिंग राउंड के अंदर आ सकती है। तो एप्टीट्यूड एंड कोडिंग कम्बाइन सेशन होने वाला है, तो दोनों चीजें एक ही सेशन के अंदर आपको मिलने वाली है। एंड अगर आप इस सेशन को ज्वाइन कर लेते हो, इस सेशन को ले लेते हो, तो आपको काफी हेल्प होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बाद में मुझे मत बोलना कि भैया सीट्स नहीं मिली, काफी लिमिटेड सीट्स है, कमेंट सेक्शन के अंदर बाद में मत कहना। तो प्रायोरिटाइज चीजें रहेगी, प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पे टिकट्स रहेगी, तो जाके अभी के अभी बुकिंग कर लो। एंड इसका प्राइस, अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। आप सोच रहे होगे कि भैया दोनों कंबाइन सेशन है तो एक महंगा सेशन होगा, नहीं, इसका प्राइस बहुत कम, बहुत मिनिमम रेट पे रखा गया है, 49 रुपीज। आपको इसके अंदर असेंचर एप्टीट्यूड एंड कोडिंग सेशन दोनों की दोनों स्ट्रेटेजी, टिप्स, सारी चीजें मिलेगी जस्ट 49 रुपीज में। सीट्स हमारे पास काफी लिमिटेड रहती है, तो जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर बुकिंग है, जाके बुकिंग कर लो। अगर आपको सेंचर क्रैक करनी है तो ये सेशन काफी हेल्प करेगा, जाके बुक कर लो फटाफट, ठीक है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन।
मैंने आपको assumption बता दी, नोट क्या है, रिटर्न नल इफ द स्ट्रिंग इज नल, इफ बोथ कैरेक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रिंग और बोथ ऑफ देम आर सेम देन रिटर्न द स्ट्रिंग अनचेंज्ड। ठीक है, अब एक बार मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। अब मैं आपको लॉजिक एक बार बता देता हूं। सपोज हमारा कोई भी स्ट्रिंग है, कोई इनपुट ले लेते हैं, एक इनपुट ले लेते हैं, हमने ले लिया अमन। अब इसके अंदर हमें कैरेक्टर वन दे दिया ए, और कैरेक्टर दे दिया हमें, कैरेक्टर टू दे दिया हमें बी। अब क्या होना है, जहां पे भी ए आएगा आउटपुट में मेरा क्या होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। जहां पे भी ए आएगा उसको रिप्लेस कर दो बी से, और जहां पे भी बी होगा उसको रिप्लेस कर दो ए पे। तो बी तो कहीं पे है नहीं, ए है, तो अब इसका आउटपुट होगा बी एम बी एन, ये इसका आउटपुट होगा। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ आ चुकी होगी। अब करेंगे कैसे, अब करेंगे कैसे, एक लूप चलाएंगे सिंपल सा, हम अपने कैरेक्टर एरे में अपना एक लूप चलाएंगे। अब जहां पे भी हमारा आई प्लस प्लस कर लेना, अब जहां पे भी हमारा ए होगा उसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे, बी से, और जहां पे भी बी होगा उसको रिप्लेस कर देंगे ए से। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पे भी मेरा कैरेक्टर वन आएगा उसको मैं रिप्लेस करना है कैरेक्टर टू से, जहां पे भी कैरेक्टर टू होगा उसको रिप्लेस करना है कैरेक्टर वन से, एंड पहले से लोअर केस लेटर्स है, एंड अगर स्ट्रिंग नल है तो वो नल रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसके लॉजिक से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, उसके कोड से समझा देता हूँ कि कैसे कोड रहने वाला है। सारी चीजें समझ लेना, बहुत ध्यान से इसके कोड को समझ लेना। अब हमें ये फंक्शन दे दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिप्लेस कैर स्ट्रिंग str कैर ch1 कैर ch2 स्ट्रिंग रिजल्ट, हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है। मैंने जैसे आपको बताया था कि लूप चलाएंगे हम पूरी स्ट्रिंग के अंदर। इफ str डॉट कैर एट i इक्वल टू ch1, अब ये मेरा अमन है, ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग है। अब क्या हुआ, अब मेरे पास कैरेक्टर वन है ए और ये बी है। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब यहाँ पे ए आ गया, अगर ए है तो जो मेरी रिजल्ट स्ट्रिंग है उसके अंदर बी कैरेक्टर टू मतलब बी अपना जोड़ दो। अगर मेरे पास कैरेक्टर टू है तो बी तो है नहीं, तो ये तो एल्स वाला होगा नहीं, और अगर एल्स सपोज आपके पास ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो अपना आपकी एज इट इज जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी, जो आपकी पहले से स्ट्रिंग होगी, सपोज ये स्ट्रिंग है, और एक टेस्ट केस मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पे ए भी नहीं है, यहाँ पे है सी और डी, तो सी और डी आपके पूरे की पूरी स्ट्रिंग के अंदर नहीं आ रहा है, तो एज इट इज यहाँ पे एल्स केस चलेगा, यहाँ पे आपका मन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, सिंपल सा केस है कि जहां पे भी कैरेक्टर वन होगा उसको रिप्लेस कर दो कैरेक्टर टू से, जहां पे भी कैरेक्टर टू होगा उसको रिप्लेस कर दो कैरेक्टर वन से। रिजल्ट एक हमने एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली जिसके अंदर हम अपना रिजल्ट स्टोर करा देंगे। तो इफ कंडीशन क्या है, str डॉट कैर एट आई इक्वल टू कैरेक्टर वन, तो रिजल्ट में हमने क्या करा, कैरेक्टर टू को ऐड कर दिया। अगर हमारा str डॉट कैर एट आई कैरेक्टर टू आ गया तो हमें कैरेक्टर वन को स्टोर करा देना है, और बाकी चीज एज इट इज, क्योंकि भाई बाकी चीज जैसे m है ये n है, ये हमें एज इट इज प्रिंट कराना है। और लास्ट में हमने प्रिंट करा दिया अपना रिजल्ट, और ये हमारी स्कैनर क्लास है जिसमें हमने इनपुट लिया। काफी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि भैया इनपुट खुद लेना पड़ता है, जी हाँ, आपको सिर्फ फंक्शन दिया गया होगा, आपको सिर्फ इतना कोड दिया गया होगा यहाँ तक का, उसके बाद आपको इनपुट खुद ही लेना है। तो ये हमने स्ट्रिंग अपनी इनपुट ले ली, उसके बाद हमने कैरेक्टर को इनपुट ले लिया, उसके बाद हमने कैरेक्टर टू को इनपुट ले लिया, देन हमने अपना फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया, एंड इसने सारी चीजें अपनी कर दी। तो होप्स आपको समझ आ चुका होगा, बस दो ही काम थे कि हमें ए को रिप्लेस करना है बी से, मतलब कैरेक्टर वन को, कैरेक्टर टू को रिप्लेस करना है कैरेक्टर वन से। एंड ये अपना ये चीज समझ लेना, एजम्पशन जो भी क्वेश्चन में चीजें गिवन है, सिर्फ हमारे पास लोअर केस अल्फाबेटिकल लेटर्स होंगे। तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। यू आर गिवन ए जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता देता हूँ। नम्स ऑफ इवन लेंथ कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने एसेंचर कोडिंग वन शॉट नहीं देखा है तो जाके एसेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट के अंदर कोडिंग वन शॉट भी देख लेना, मैंने उसके अंदर भी ये क्वेश्चन कराया था, एंड सेम क्वेश्चन एसेंचर के अंदर भी आया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, हमारे पास एक इवन लेंथ कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर। अब मेरे पास एक नम है, एरे है, इसमें मेरे पास इक्वल नंबर तो हमारे पास पॉजिटिव है, एंड इक्वल नंबर के हमारे पास निगेटिव है, तो हमेशा हमारी इवन लेंथ होगी, इतनी चीज आपको पता होगी। यू शुड रिटर्न द एरे ऑफ नम्स सच डेट द एरे फॉलोज द गिवन कंडीशंस। अब आपकी ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, एवरी कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीजर हैव अपोजिट साइंस, फॉर ऑल इंटीजर्स विद द सेम साइन द ऑर्डर इन विच दे वर प्रेजेंट इन नम्स इज प्रिजर्व्ड, द रीअरेंज एरे बिगिंस विद अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड 2:1 रूल कभी मत भूलना, दो बार क्वेश्चन को रीड करना कोडिंग असेसमेंट के अंदर, एंड एक बार आपको कोड लिखना है।
अब बात करते हैं इसके इनपुट केस के बारे में। तो ये मेरा इनपुट है। अब क्वेश्चन एक आया कि हमेशा आपका पॉजिटिव इंटीजर से एरे शुरू होगा एंड एक पॉजिटिव आएगा, दूसरा निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। तो आपको ऐसे अपना एरे स्टोर कराना है। तो जैसे हमारे यहाँ पे पहले पॉजिटिव आ गया, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, एंड हमेशा हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ इवन इवन इंटीजर है एंड निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर हमारे पास इक्वल नंबर के हैं एंड लेंथ हमारी इवन होगी हमेशा। भाई जब इक्वल नंबर के हमारे पास पॉजिटिव है, इक्वली नंबर के हमारे पास निगेटिव है, तो कभी भी ऑड लेंथ होगी नहीं, हमेशा हमारी इवन लेंथ होगी। अब इसका लॉजिक देखते हैं भाई, लॉजिक क्या है इसका। 3, 1 माइनस 2 माइनस 5, 2 और माइनस 4। देखो भाई, अब बहुत ध्यान से चीजें समझ लेना, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो काफी हेल्प करेगा, ये लॉजिक आपके काफी क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। 3, 1 माइनस 2 माइनस 5, 2 माइनस 4। अब हमें करना क्या है, हमें पॉजिटिव इंटीजर पहले हमें पॉजिटिव लेके आना है, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे के सारे पहले पॉजिटिव एलिमेंट्स एक लिस्ट के अंदर डाल दूंगा, सारे के सारे निगेटिव एलिमेंट्स एक लिस्ट के अंदर डाल दूंगा। तो सबसे पहला काम होगा कि मैंने लिस्ट बना दी, ये मेरी लिस्ट होगी पॉजिटिव। ठीक है, ये मेरी तो लिस्ट होगी भाई पॉजिटिव। अब एक ऐसी ही मैंने लिस्ट बना दी निगेटिव अपनी, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक मैंने बना दी अपनी निगेटिव लिस्ट। अब एक में तो डाल दिए सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट। अब इसमें कौन कौन से पॉजिटिव एलिमेंट थे, 3, 1, 2, तो इसमें आगे 3, 1, 2, ये मेरी होगी पॉजिटिव लिस्ट। अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी पॉजिटिव लिस्ट है। और निगेटिव में हो गए मेरे -2, -5, -4, ये होगी मेरी निगेटिव। अब करना क्या है, अब बस कुछ नहीं करना है। अब एक बार एक मैं अपनी एक एक्स्ट्रा लिस्ट बना लूंगा, जिसमें मैं एक बार अपना पॉजिटिव लूंगा, एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव। आंसर मेरा आ गया, क्या आंसर यही है, चेक कर लेते हैं। 3, -2, 1, -5, 2, -4, यही आंसर है। अब लॉजिक क्या है इसका, कोड क्या है, एक बार कोड समझते हैं। एक हमने एरे ले लिया, हमारा पूरा फंक्शन आपको गिवन होगा, पहले ही बता देता हूँ, ये दो लाइन आपको गिवन होगी, उसके बाद आपको इनपुट सब चीज़ें खुद लेनी है। एक एरे लिस्ट बनाई पॉजिटिव, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि पॉजिटिव एरे लिस्ट होगी, जिसके अंदर हम पॉजिटिव अपने जितनी पॉजिटिव इंटीजर्स है, जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स है, सारे के सारे स्टोर करेंगे। एक हमने एरे लिस्ट बना दी निगेटिव, जिसके अंदर हम निगेटिव नंबर्स लेंगे। लूप चलाया, लूप के अंदर हमने क्या करा, पॉजिटिव ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मेरी पॉजिटिव लिस्ट बन गई, जितने भी लिस्ट बनी वो पॉजिटिव बन गई। दूसरा मैंने निगेटिव के लिए बनाया, तो यहाँ पे मेरी निगेटिव आ गई। इतना काम समझ में आ गया। पहले भाई दो लिस्ट बना लो, एक के अंदर पॉजिटिव एलिमेंट्स डाल दो, एक के अंदर निगेटिव एलिमेंट्स डाल दो। इतनी चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं, एक नया एरे बनाया जिसका नम्स डॉट लेंथ हमारा आपका साइज होगा। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे एरे है तो एरे रिटर्न करना पड़ेगा, लिस्ट नहीं है तो लिस्ट, अगर लिस्ट होता तो लिस्ट रिटर्न करेंगे, एरे है तो हमें एरे बनाना पड़ा। इंट के इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0। अब हम पॉजिटिव साइज कोई किसी भी, मतलब पॉजिटिव पे चल लो, निगेटिव पे चल लो, क्योंकि दोनों इक्वल नंबर की लेंथ है, पॉजिटिव की भी सेम लेंथ है, निगेटिव की भी, क्योंकि क्वेश्चन में पहले गिवन है कि आपके जो इक्वल नंबर है, देखो इक्वल नंबर हो पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर। अब हुआ क्या, अब ये चीज समझना, अब एरे ऑफ के इक्वल टू पॉजिटिव डॉट गेट, गेट से हम वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। अब सी के अंदर जो मेरी पॉजिटिव थी, अब ये मेरी पॉजिटिव थी, यहाँ पे पॉजिटिव लिस्ट थी एंड ये मेरी निगेटिव लिस्ट है, मैंने माइनस सिंबल से निगेटिव कर दिया। अब पहले क्या आया, ये मेरा फाइनल एरे है जिसमें पूरी की पूरी कंबाइन है, 6 के 6, ये 3 मान लो, इसमें 3 एलिमेंट्स मान लो, तो यहाँ पे आगे 6 एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या हुआ, पहले में आ गया प्लस, अब एरे ऑफ के प्लस 1, यहाँ पे 0 था, अब इंडेक्सिंग होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया माइनस, निगेटिव से ले लिया। फिर अब के प्लस इक्वल टू 2 क्यू करा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताना, क्यों करा ये के प्लस इक्वल टू 2, यहाँ पे 1 क्यों नहीं करा। अब मैं भी बता देता हूँ आपको कि के प्लस इक्वल टू 2 क्यों करा, एंड आपको भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है अगर आपको पहले से पता है। अब क्या हुआ, अब हमने क्योंकि यहाँ पे के प्लस 1 कर दिया तो सीधा जंप अब यहाँ पे आएंगे ना, अगर हम के प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे दोबारा अपडेट हो जाएगी, ये तो हमें करना नहीं है, तो हम जंप करेंगे यहाँ पे और सी को कर देंगे प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे, फिर हमारा एक पॉजिटिव आ जाएगा, फिर हमारा एक नेगेटिव आ जाएगा, फिर हम के को अपडेट करके यहाँ पे ले आएंगे, फिर एक हमारा पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा एंड लास्ट में हम अपना एरे रिटर्न कर देंगे। तो ऑप्शन इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी हो एंड फाइनल आंसर हमारा, फाइनल आउटपुट जैसे मैंने लॉजिक के अंदर बताया था ये आ जाएगा। सो होप सो आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हो एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़,
सेशन की बुकिंग अभी के अभी कर लेना, वीडियो स्टॉप करके पहले बुकिंग कर लेना, बहुत लिमिटेड सीट्स है, काफी कुछ सीखने वाले हो, मजा आने वाला है, मिलते हैं सेशन के अंदर, जाके फटाफट बुकिंग कर लो। इस सैटरडे 9 PM to 10 PM सेशन रहने वाला है, आओ जल्दी। मैं आपको डेट भी बता देता हूं, 14 सितंबर, आज 10th होगी और अभी हमारे पास वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, 11, 12, 13 और आपका 14 सितंबर का जहां तक है सैटरडे आपका रहेगा, तो सैटरडे 9 PM to 10 PM आपका सेशन होने वाला है, जाके बुकिंग कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फटाफट अभी के अभी बुकिंग कर लो। तो आपको सारी चीजें मैंने बता दी, अभी काफी कुछ इस चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, एंड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।